फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। भगवान शिव की उपासना के लिए यह दिन सर्वोत्तम होता है। लोग महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं। व्रत करने वाले लोगों को कुछ विशेष नियम और सावधानियों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत में कौन से काम करने से बचना चाहिए। महाशिवरात्रि पर स्नान किए बगैर कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। व्रत नहीं है तब भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करें। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ समझा जाता है। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण ना करें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन की हानि हो सकती है। ये चीजें बिल्कुल ना खाएं। शिवरात्रि के त्योहार पर दाल, चावल या गेहूं से बने खाद्य पदार्थों को बिल्कुल भी ना खाएं। व्रत में आप दूध और फलों का सेवन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने से तन और मन की शुद्धि होती है, इसलिए इसी काम के साथ दिन की शुरुआत करें। नए या फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। रात में ना सोएं। शिवरात्रि के त्योहार पर देर तक ना सोएं और रात के समय सोने से बचें। रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव के भजन सुनें और आरती करें। व्रत को अगली सुबह स्नान करने के बाद प्रसाद व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण कर शिव जी को तिलक लगाकर खोला जा सकता है। ना चढ़ाएं ये चीजें। तुलसी के पत्ते। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पैश्चराइज्ड या फिर पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। अभिषेक के लिए हमेशा चांदी या कांसे के पात्र का इस्तेमाल करें। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केतकी के फूल। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। शिवरात्रि का व्रत सुबह से शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रत करने वाले को फल और दूध ही ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। टूटे हुए बेलपत्र। शिवरात्रि पर तीन पत्रों वाला बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाते समय डंठल आपकी तरफ होना चाहिए। टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कुमकुम। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक नहीं लगाना चाहिए। महाशिवरात्रि पर भोले को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। हालांकि भक्तजन माँ पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।